अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफजल। मेरा किसी काम से आना हुआ था, ये जगह कहती है कहलाती है वुडंगा। वुडंगा ओल्डब्री से 15 मिनट्स की ड्राइव पे नहीं है, बट ओल्डब्री और वुडंगा साथ ही लगते हैं। तो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, इन फ्यूचर अगर कोई मूव होना चाहता है, जॉब की रेशो क्या है, तो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है जॉब के हवाले से मैं और दे सकता हूँ आज। तो खैर चलते हैं उस जगह पे। जैसा मैंने बताया था कि मैं किसी जगह आ रहा हूँ, तो ये जहाँ मैं आके रुका हूँ उसका नाम है जंक्शन स्क्वायर इसका नाम है। खैर सबसे पहली बात होती है जब आप ओल्डब्री या किसी भी रीजनल मूव होते हो, तो आपको जो है वो उसका सबसे पहले आपका यही दिमाग में होता है कि यार जॉब का क्या होगा। तो मेरे भाई या जो भी लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको ये बता दूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे विद इन 1 वीक मेरी जॉब लग गई थी। जॉब का यही सीन है कि अगर आपके सिक्योरिटी लाइसेंस है, तो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सराउंडिंग्स में भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंपनीज ऐसी हैं कि आपको काम मिल सकता है यहाँ पे अगर आप अप्लाई करें तो। दूसरी बात ये कि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि ओल्डब्री इतना बड़ा नहीं है, ये 10 to 15 मिनट्स ड्राइव के सराउंडिंग्स, सबके यहाँ पे सर्विस न्यू साउथ वेल्स करके एक ऑफिस होता है जहाँ से आप वो अपनी कोई भी चीज़ कन्वर्ट करवानी हो, विक्टोरियन लाइसेंस से लेके विक्टोरियन टैक्सी लाइसेंस, या आपका अपना टैक्सी लाइसेंस हो या सिक्योरिटी लाइसेंस हो या जो भी लाइसेंस होते हैं, वो कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ पे सर्विस न्यू साउथ वेल्स जाके। एक एप्लीकेशन होती है, फॉर्म फ्री है सब कुछ, और लाइसेंस या जो भी विक्टोरियन लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या सिक्योरिटी लाइसेंस कन्वर्ट जब करवाएंगे तो कोई फीस नहीं है आई थिंक उसकी, क्योंकि मैंने तो कोई फीस नहीं दी थी कन्वर्जन की। तो मेरा अपडेट होके आ गया था विद इन 1 वीक मेरे एड्रेस पे। दूसरी बात ये कि आपके पास, अगर मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि मैन्यू लॉक या ओबर ईट्स ये चीज़ों का ऑप्शन है, अच्छा है, लोग पैसे बन रहे हैं लोगों के पैसे यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा कि आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लो। जॉब्स नहीं लग रही, डिसाइड कर लिया है मूव होने के लिए, तो मेक योर माइंड कि अगर आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी लाइक डिलीवरी जॉब्स, तो उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि लड़कों जब आते हैं यहाँ पे, किसी के पास सिक्योरिटी लाइसेंस है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, कुछ है, तो मेन्यू लॉग $25 या $26 पर आवर का रेट है वहाँ पे। लमसम बता रहा हूँ क्योंकि अगर स्टार्ट करते हैं जॉब, और क्योंकि इसमें ऑब्वियसली शिफ्ट वाइज होता है मेन्यू लॉग का, जिन लोगों को नहीं पता वो थोड़ा सा पता कर लें इसके बारे में, तो अच्छी चीज़ है मेन्यू लॉग। और सेकेंड ऑप्शन DoorDash या Uber Eats, मतलब ऑप्शन है आपके पास। मीन टाइम आप अपनी जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं उसके दौरान। और जहाँ तक घर की बात है, रेंट, क्योंकि अब लोग आना शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही है और घर कम मिल रहे हैं, तो कोशिश यही करें कि अपने किसी को अगर जानते हैं ओल्डब्री के अंदर, या किसी जैसा बिल्कुल नए हैं थोड़ी सी रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ पे गोरे हैं जो रूम वगैरह रेंट पे दे सकते हैं, तो उससे ये होगा रूम पे रेंट लेने पे कि आपका एड्रेस वगैरह चेंज हो जाएगा। जब एड्रेस चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली आप एक लोकल काउंट होगी, जब लोकल काउंट होगी तो आप अपनी लीज जब अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जो एड्रेस होगा आपका, वो आपका लोकली होगा, तो उसमें लीज में आसानी होगी आपको। और रेंट इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, पहले मैंने अपनी वीडियो दोबारा बता रहा हूँ, बताया भी था पहले, दोबारा बता रहा हूँ कि इतना रेंट इसमें ज़्यादा इतना नहीं है, अराउंड 800 to 900 या $1,000 मैक्स अगर आपको 2 कमरों का घर मिल सकता है यहाँ पे, और अच्छा घर साफ सुथरा। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दे सकता हूँ उसके बारे में। और अभी लड़कों के फ़ोन भी आए हैं और 2-4 जाने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि यार थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, तो मैंने बता दिया, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। और ये है कि कुछ डिटेल अगर और चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। So what's your name down here? Olive, and you? Jamison, nice to meet you. My name is Khan, and I'm just giving some little bit guide. That's all I'm doing here. And yeah, so do you want to say something about that, if someone wants to move to, what's the best they can have here? I know the peace, they can have a peace, but what else? The best thing about this town? So what's the best thing they have? I mean,
we've grown a lot in the past few years. Yeah, it was like, pretty bad. It was it was quite small town. Like over there, the big shopping centres and stuff were never there. And, yeah, like, true. We've developed quite a big, like we've developed quite well. I mean, so do you think if someone come here, they have much like facilities, they can have the clothes? Obviously, Kmart is the biggest thing they do locally shop. But yeah. What's they have a food, good food, the sources? Yeah, they have really good food. There's a lot of supermarkets. There's and like stuff. Little hidden shops, like in the plaza, there's like a Chinese shop and it's really, really good. Okay, like they have a very good food. Yeah. The Asian food? Yeah, they there's have a lot. There's food. Like heaps of like, you know, like restaurants and stuff, like there's burgers and stuff. There's, on Stanley Street, there's a really good food. Okay, look, shop. Yeah. Oh, yeah, we have a cool fact. Our school actually has one of the best. Football ovals in Victoria. Yeah, I know, I've seen that. So is there anything more that you want to tell the people that if they want to visit the regional, what's the best thing they can have here? Support local businesses. Support local business. Yeah. What do you think? Look, there's a lot of people that want, they might be, when they come down here, they got a little bit of money, but they want to open the business. What do you think? Is the best to open their own business and then you guys think you would support the local? Yeah. Little local businesses, especially because of like all like the fires and stuff that happened and all this stuff. Oh, I know exactly. I've seen the big portraits down to there. So they have give a bit of information. I'm gonna show you the big portraits. The bushfire happened last year. Last year in 2019, I think. Last year. Up in the high country, like Corryong and true. Exactly. That was a really big disaster. Yeah, it was really, really big bad. Disaster. Yeah. So yeah, so what do you think if someone wants to open their own business, like let's just say a very small business, the kebab shop or the sausage, the caravan, if someone wants to open, so what do you think the people who live here, they're gonna support their business? Yeah, they definitely do. And all right, that's good, that's a really good thing that the people want to know. So is there anything we want to add, Olive? I don't know, just come down and see for yourself our town. Okay. Yeah, it's pretty good. It's pretty good though. Yeah, anyway, we're growing very fast. What's your name? Jameson. Jameson. Jameson, do you want to discuss something? Do you want to tell anything about the people, like if they want to move to the Albury or Wodonga, how it would be for them, for the new, they're going to like it or not? Well, yeah, obviously. They're going to like it. What are the reasons they want to like it? Well, like there's just heaps of support. Heaps you know? Of support in like, regards we to what? A really nice community. Look, to be very honest, in one perspective, guys, I want to tell you, I love the sound of having the mountains around you. When you wake up in the morning, that you have a mountain around you, it's pretty amazing. It's pretty fascinating for me. Yeah. And wherever you come from, and when you see the mountains, I love the mountains. I love the nature. I love to be hiking and stuff. It's also good because we have like little towns that surround us, like Yakandanda and all that. Really nice. To be very honest, I haven't discovered that thing, yeah, but yeah, I would Dan. Definitely. I'll have to go to Yakandanda. I've been to the Bright, I've been to the Lookout, yeah. I've been to the Langadhar and all that. They're like super pretty. I've been to the False Creek. False Creek is just 2 hours drive. Yeah. It's yeah. pretty amazing. Yeah, I like Yakandanda is like half an hour, not even 20 minutes, and then like Langadhar is like 10 minutes. Okay. All about. That's really good. That's really good. So just one more thing before we business, and yeah, what's your name? Olive, just one more time. Olive and Jamerson. Jamerson and Olive are with me, and they give a very good information about if you want to move to the regional. Nice to meet you. Anyway, thank you very much. अच्छा भाई दोबारा चलते हैं तो यार दो कोई local लड़कियाँ थीं यहाँ पे जो तो उन्होंने कुछ information आपको दी है obviously. कुछ बिजनेस के हवाले से अगर आप ओपन करना चाहें तो ऑब्वियसली दे गोना सपोर्ट यू आफ्टर द बुश फायर विच इज़ गुड. तो ये जगह जो मैं हूँ जंक्शन स्क्वायर, ये काफ़ी अच्छी जगह है और ये एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है बट इसमें ट्रेन थीम बनी हुई है एंड काफ़ी अच्छी जगह लग रही है मुझे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.